जी एजुकेशन नॉलेज टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी, हरियाणा शिक्षा विभाग का धमाका भाई सुबह सुबह 8 बड़ी खबरें लेके आए हैं। एच टेट, एच बी एस सी, 10वीं 12वीं, सी बी एस ई, एच एस एस सी तक 4 जनवरी 2021 हो चुकी है। देखिएगा वीडियो का अंत तक। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशन लैब के बारे में जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। डाउट बच्चों, आप इसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है, 3 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई नीट का हो या 6वीं से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सबका सॉल्यूशन आपको डाउट नेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सबका भी आपको डाउट नेट ऐप पर सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक। देखिएगा पहली बड़ी खबर आई हुई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से ही। शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर डाल दी है एच टेट की आंसर की, यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2 और 3 जनवरी 2021 को जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई है उसके लिए आंसर की भी बोर्ड ने तुरंत जारी कर दी है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्कूल बोर्ड की परीक्षा तिथियों पर आज सीएम कर सकते हैं ऐलान, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आज ऐलान करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूरे देश की महानायिका है सावित्री बाई फुले, कौरपाल गुर्जर जी ने बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आई है, स्कूली बच्चों के नाश्ते पर खर्च होंगे करीब 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए स्कूलों में अब नाश्ता भी दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों में, और उस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ पे देखिएगा मई और जून तक हो सकती है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बैठक है आज, सीएम यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। यहाँ पे देखिएगा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दी जाएगी एनडीए और सीएएस की कोचिंग, यानी कि हरियाणा के स्कूलों में भी एनडीए की कोचिंग दी जाएगी। सुपर हैंड्रेड कार्यक्रम की सफलता के बाद उठाया है यह बड़ा कदम। और एच टेट की परीक्षा संपन्न हुई, घर पहुंचने से पहले बोर्ड की साइट पर उत्तर कुंजी डाल दी गई। प्रदेश भर में एच टेट की परीक्षा संपन्न। यहाँ पे देखिए शिक्षा में तबादला और खाका तैयार, नियमित कक्षाओं के साथ चलेगी डिजिटल पढ़ाई। और यहाँ पे देखिएगा दोस्त से लगी सी शर्त, नवीन ने पास कर ली है पीटीआई की परीक्षा। अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं पीटीआई की परीक्षा पास कर लूँगा और वह पास भी कर ली है। ये थी बड़ी खबरें आज की, आपको कैसी लगी मुझे लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।